आज मैं अपने चैनल के माध्यम से दिनांक 12 सितंबर 2019 को एक स्त्रियों का प्रमुख त्यौहार हरि तालिका तीज है, जिसके संबंध में मैं आपको कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूँ, जिसे अवश्य आप ध्यान देंगे। सौभाग्य के लिए कब और किस शुभ मुहूर्त में करें यह पावन व्रत। तो यह सौभाग्य से जुड़ा हरि तालिका तीज का व्रत स्त्रियों और कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाता है। इस पावन व्रत में भगवान शिव, माता गौरी एवं श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा साधना आराधना का बहुत बड़ा महत्व है। यह व्रत निराहार एवं निर्जला किया जाता है। सुहाग के सौभाग्य या फिर एक बेहतर जीवन साथी की कामना के लिए किए जाने वाले इस व्रत का इंतजार स्त्रियां महीनों पहले से करने लगती हैं और इसकी तैयारी भी प्रारंभ कर देती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस त्यौहार के अंतर्गत सबसे प्रमुख बात क्या है जिसे करना चाहिए और यह त्यौहार कब पड़ता है। हर तालिका तीज का व्रत भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में दिन भर का निर्जल व्रत रखना चाहिए। मान्यता है कि सबसे पहले इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। इस व्रत में भगवान शिव पार्वती के विवाह की कथा सुनने का काफी महत्व है। कैसे पूजन किया जाता है इस हरि तालिका तीज पर, इसे आप ध्यान से अवश्य जान लें, सुन लें और ऐसा करके आप भी अपनी मनोवांछित फल अवश्य प्राप्त करें। प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर एक चौकी पर रंगीन वस्त्रों के आसन बिछाकर शिव और पार्वती की मूर्तियों को स्थापित करें। साथ ही इस व्रत का पालन करने का संकल्प लें। संकल्प करते समय अपने समस्त पापों के विनाश की प्रार्थना करते हुए कुल कुटुंब एवं पुत्र पौत्रादि के कल्याण की कामना भी करें। आरंभ में श्री गणेश का विधिवत पूजन करें। गणेश पूजन के पश्चात शिव पार्वती का आवाहन, आसन, पाद्य, अध्य, आचमनी, स्नान वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, चंदन, धूप, दीप, नवेद्य, तांबुल, दक्षिणा तथा यथाशक्ति आभूषण आदि से पोषोपचार पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात क्या करें स्त्रियां? पूजन की समाप्ति पर पुष्पांजलि चढ़ाकर आरती, प्रदक्षिणा और प्रणाम करें। फिर कथा श्रवण करें। कथा के अंत में बांस की टोकरी या डलिया में मिष्ठान, वस्त्र, पकवान, सौभाग्य की सामग्री, दक्षिणा आदि रखकर आचार्य पुरोहित को दान करें। पूरे दिन और रात में जागरण करें और यथाशक्ति ओम नमः शिवाय का जप करें। दूसरे दिन और प्रातः भगवान शिव पार्वती का व्रत का पारण करें। तो ये हमने आपको जानकारी दी स्त्रियों का प्रमुख व्रत त्यौहार हरि तालिका तीज, जो 12 सितंबर 2019 को है। सौभाग्य के लिए स्त्रियां
इस व्रत का पालन करती हैं, पूजा करती हैं, इसका उनके जीवन साथी की कामना के लिए एक प्रमुख त्यौहार है, व्रत है। तो ये जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हो रही है, जिसे आप पालन करें और भरपूर लाभ अर्जित करें। धन्यवाद।